यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड लाइव। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी बसपा का समर्थन करने वाली है। एमएलसी चुनाव के लिए ये गठबंधन हुआ है बसपा और सपा के बीच में। ये बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव के बसपा के कैंडिडेट होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका समर्थन समाजवादी पार्टी करने वाली है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा कैंडिडेट के समर्थन का ऐलान किया है और साथ ही बसपा ने लोकसभा के उपचुनाव में सपा के कैंडिडेट को समर्थन किया था, जिसके चलते बसपा और सपा गठबंधन की जीत जो है उपचुनाव में देखने को मिली थी, लोकसभा उपचुनाव में। लेकिन अब एमएलसी चुनाव में भी बसपा और सपा का गठबंधन जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे अखिलेश सिंह, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, उपचुनाव के नतीजों के बाद में एक जोश जो बसपा और सपा के गठबंधन को मिला है, अब वो आगे बढ़ रहा है, एमएलसी चुनाव में भी समर्थन करेंगे। बिल्कुल, हम भी आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा के उपचुनाव गोरखपुर और फूलपुर सीट में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन किया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी को दोनों लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल हुई थी। इसके बाद सपा और बसपा की करीबी बढ़ी और लगातार मीडिया में आने लगी। उसके बाद दोनों पार्टियों के तरफ से ऐलान भी कर दिया गया कि भविष्य में होने वाले चुनाव में वो एक दूसरे के सहयोग करते रहेंगे और जैसा भी बनेगा वो सीटों के बंटवारे के साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब राज्यसभा चुनाव में भी वही फिर देखने को दोबारा मिला कि बहुजन समाज पार्टी और सपा के बीच में तालमेल हुआ और उपचुनाव लड़ा गया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राज्यसभा के इलेक्शन में हार गए थे और समाजवादी पार्टी की एमएलसी स्वावलंबी जया बच्चन जीत गई थी। अब फिर तीसरा चुनाव आके आया है कि विधान परिषद सदस्य के लिए चुनाव होना है। विधान परिषद सदस्य के लिए राज्यसभा में बसपा ने जो चुनाव में हार पाई थी उसी कैंडिडेट को फिर से एमएलसी का कैंडिडेट घोषित किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी चुनाव के लिए कैंडिडेट होंगे। अब समाजवादी पार्टी बसपा के कैंडिडेट को समर्थन करेगी। ये इलेक्शन 26 तारीख को लखनऊ में होना है और ये माना जा रहा है कि इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हार नहीं बल्कि जीत की खुशी मिलेगी। अखिलेश, जो साथ जो जुड़ा उपचुनाव के साथ में वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोकसभा तक ये चुनाव ये साथ जा सकता है। मायावती ने कुछ दिनों पहले जब उनके कैंडिडेट की राज्यसभा चुनाव में हार हुई थी, जब भीमराव अम्बेडकर चुनाव हारे थे, उससे दूसरे दिन ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कैंडिडेट को हराने के लिए सारे कंडे इसलिए लगाए हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती तुनक मिजाज की हैं, गर्व मिजाज की हैं और वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लेंगी, उनके साथ संबंध अपने खत्म कर लेंगी। उन्होंने उस दिन ऐलान किया था कि हमारा कैंडिडेट भले ही हारा है, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया फिर भी हारा है, बावजूद इसके उनके अब समाजवादी पार्टी के साथ संबंध खराब नहीं होंगे, वो समाजवादी पार्टी के साथ आगे भी चुनावी तालमेल पर चलती रहेंगी और आगे जो भी चुनाव होंगे वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर सही फैसला लेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगी 2019 के लोकसभा आम चुनाव में। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बुआ बबुआ की जोड़ी जो है जो उपचुनाव के साथ में शुरू हुई थी वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और एमएलसी चुनाव में भी अब सपा ने बसपा का समर्थन करने का ऐलान किया है। एमएलसी चुनाव में अब बहुजन समाज पार्टी का समर्थन जो है वो समाजवादी पार्टी करने वाली है और एमएलसी चुनाव में बसपा के कैंडिडेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समर्थन जो है वो समाजवादी पार्टी करेगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया।